आज तक आपने इतनी हेल्दी और टेस्टी सब्जी नहीं खाई होगी, और किस चीज़ से हमने इसे बनाया वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं हेल्दी सब्जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने देखी तोरी आधा किलो के करीब मैंने तोरी ले ली है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने तोरी को धोकर साफ करके रख लिया है और मैंने इसे आगे पीछे से काट कर रख लिया है। थोड़ी हार्ड तोरी है इसलिए मैंने हार्ड वाली तोरी से ही हम सब रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से तोरी आप ले सकते हैं। अब हम आज इनसे इनके जो छिलके हैं उससे सब्जी बनाने वाले हैं। तो इनके छिलके हम अब उतार कर रख लेंगे, और थोड़ा हल्का सा मोटा छिलका उतारना है। वैसे ही इनका छिलका काफ़ी मोटा है, तो इस तरह से हमें इनका छिलका उतार लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इन्हें उतार लिया है। इस तरह से हमें तोरी के छिलकों को उतार कर रख लेना है। तो ये देखिए ये मैंने उतार कर रख लिए हैं। इस तरह से छीलने वाले चाकू से नहीं छीलेंगे, जिससे हम चाकू जो जिस तरह से चाकू से सब्जी काटते हैं उसी चाकू से हमें इनके छिलके उतारने हैं। छीलने वाले से छीलेंगे तो बहुत पतले छिलके उतरेंगे और उनकी सब्जी नहीं बन पाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है, जब हम छिलके उतार रहे हैं तो छिलकों के लिए हमें दूसरा चाकू, ये इस तरह का चाकू यूज करना है, ना कि छीलने वाला चाकू हमें यूज करना है। तो चलिए इस तरह से हम सारे छिलके उतार कर तैयार कर लेंगे, और बहुत आराम से छिलके इनके उतर जाएंगे। तो लीजिए मैंने इनके छिलके उतार कर रख लिए हैं। तो आपको इस तरह से इनके छिलके उतारने हैं, और बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार होती है। आप इसमें आप बिना प्याज टमाटर के बना सकते हैं, और प्याज टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। आप आलू डाल के बना सकते हैं, आप बिना आलू के बना सकते हैं। जिस तरह से हम बीन्स बनाते हैं उसी तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए छिलके हमने सारे उतार लिए हैं। अब इन्हें जिस तरह से हम बीन्स काटते हैं छोटे छोटे, ऐसे इस तरह से हमें काट के रख लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें काट के रख लेना है इन्हें। तो देखिए तैयार हैं हमारे छिलके तोरी के, कटकर इस तरह से हमें काट लेना है। तो चलिए अब हम इन्हें बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पर देखिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने सरसों का तेल यूज किया है इसमें। आप चाहें तो इसे देसी घी में बना सकती हैं, पर क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसलिए मैंने इसे सरसों के तेल में बनाया है, और हम इसे सब्जी के रूप में बना रहे हैं। तो वैसे तोरियां देसी घी में ही बनती हैं, पर आज हम इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो हम सरसों का ऑयल यूज करेंगे, या आप जो ऑयल खाते हैं उसे यूज कर सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, और साथ ही हम इसमें दो प्याज मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए थे, इन्हें भी डाल देंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे बस। प्याज भी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। आप टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे। अब हम अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यदि आप तेज खाते हैं तो ज़्यादा मसाले यूज कर सकते हैं, और यदि कम खाते हैं तो कम मसाले डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून या टेस्ट अनुसार नमक। कलर वाली मिर्च, ये देगी मिर्च है, तीखी नहीं है, तो आधा टीस्पून डाल देंगे। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें मसालों को। जो तोरी मैंने काट छिलके काट के रखे थे उन्हें भी इसमें डाल देंगे, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मसाले भी मिक्स हो चुके हैं। अभी से हम 5 से 10 मिनट
लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। पानी का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि तोरियां आपने देखा है हमेशा पानी छोड़ती हैं, अपना पानी ही छोड़ देती हैं, इसी तरह छिलके भी अपना पानी इसमें छोड़ देंगे, तो हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे ढक देते हैं। तो लीजिए, सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह आप इस सब्जी को बनाकर खा सकते हैं। अब हम इसे किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। भी यदि आप इसे 15 से 20 मिनट बनाएंगे लो फ्लेम पर तो बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, चेक करते रहें, तो और किसी भारी बर्तन में ही बनाएं सब्जी को। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी तोरी के छिलकों की सब्जी। आप इसे रोटी, चावल और पराठे के साथ खा सकते हैं। आप इसे दाल चावल के साथ खाएंगे और भी टेस्टी लगेगी। हेल्दी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो तोरी के छिलके अपने आप में ही खुद हेल्दी होते हैं। आई होप आपको